हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में फिफ्थ मॉड्यूल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स का जो मॉड्यूल है, इसके अंदर हम लोग आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। अगेन एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, यानी कि एफिशिएंसी कैलकुलेशन का टॉपिक। ठीक, आगे चल के इस टॉपिक के बाद आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस टॉपिक को पहले स्टडी करते हैं मस्त तरीके से। तो आज की इस क्लास में हम लोग दो मेजर टॉपिक जो है उसको एक साथ स्टडी करेंगे इसी क्लास के अंदर। पहला एफिशिएंसी कैलकुलेशन और दूसरा मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन। किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अराइज होता है, उसके लिए क्या क्या केवीए रेटिंग होनी चाहिए, लोड का फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, करंट किस लेवल पे होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत प्रॉपरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होते ही एफिशिएंसी कैलकुलेशन के साथ में, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कैलकुलेशन जो होता है या उसका जो कंडीशन है वो बताने के ऊपर जरूर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है वो हम लोग कैसे बताते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। ठीक, देखिए जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वो जरूर से आता है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हमको क्या क्या समझ में आ गया इस चीज को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रिएक्टेंस को प्लेस करेंगे हम लोग। देन उसके बाद इसके मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और कोर लॉस रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन दो सेक्शंस पर। इसी तरीके से सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है उसकी भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अलॉन्ग विद द आउटपुट साइड। ठीक, अब ये आउटपुट है, यहाँ पर हम लोग लोड का कनेक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा सेकेंडरी साइड का, यहाँ पर रिएक्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग XL2, और सेम वे में यह इस तरफ आप प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस दोनों का एक्सप्रेशन इसमें शो करेंगे। ठीक है, दिस इज कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये हमारा XM जो कि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रिएक्टेंस जो है इस फॉर्म में भी आप देख सकते हो। ये आपका LV साइड हो गया, यहाँ पर हो गया HV। ठीक है, और इस पोर्शन पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक, यहीं पर हम लोग सप्लाई देंगे इस पे। तो ये बेसिक सा कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का। यहाँ से हम लोगों ने करंट जो है उसका एक्सप्रेशन भी देखा था कि I0 नो लोड प्राइमरी ओपन सर्किट करंट जो है वो हम लोग बता रहे थे। ठीक है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हम लोग IC और यहाँ पर IMU का कंपोनेंट देख रहे थे। इधर EMF E1 था, इस तरफ EMF E2 मिल रहा था हमको फॉर N1 एंड N2 नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स बिटवीन दीज टू वाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हर कंडीशन पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक, अब इसके ऊपर बेस्ड एफिशिएंसी कैसे बताएंगे। देखिए, एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की कैसे बताते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही बेसिक तरीका होता है। यहाँ पे भी यही करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को अगर एफिशिएंसी बतानी है ट्रांसफॉर्मर की तो एफिशिएंसी बताएंगे हम लोग कैसे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, स्टैंडर्ड तरीका। तो आउटपुट पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को लिखे उससे पहले एक चीज और करते हैं, इस इनपुट पावर को फिर से ब्रेक कर देते हैं आउटपुट पावर के फॉर्म में। देखिए, आउटपुट पावर जो है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वो हमारे पास लोड के अक्रॉस जो पावर आ रहा है वो हमको जब पता रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय अगेन आउटपुट प्लस लॉसेस, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। लिख सकते हैं ऐसा, भाई आउटपुट के साथ लॉसेज ऐड कर दो तो जितना इनपुट आपने दिया था वो मिल जाएगा आपको, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से। तो एक्सप्रेशन जो है इसका कैसा बनेगा, देखिए जब आप यहाँ पे फिर से एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, आउटपुट पावर आप लिखेंगे V2 I2 इनटू cos φ2। ठीक, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय अगेन V2 I2 cos φ2 प्लस WI आयरन लॉसेस प्लस WCU कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इसी को लिखने का एक और एक्सप्रेशन बनता है। कैसे एक्सप्रेशन बनता है, देखिए WCU जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो WCU जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉपर लॉस, पावर लॉस ड्यू टू कॉपर
या वाइंडिंग के हिसाब से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर के हिसाब से लिखते हैं। अब ये जो आई हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, कौन सी करंट होगी? आई वन की आई टू, इसको आप क्योंकि आप सेकेंडरी साइड के हिसाब से, आप आउटपुट पावर के हिसाब से बता रहे हो, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी आई टू करंट। अच्छा, और ये आर कौन सा होगा? इट शुड बी आर टू ई, सेकेंडरी रिफर टू दिस। अच्छा, तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में इसको रेफर करके आप प्राइमरी के हिसाब से बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से आर टू ई के एक्सप्रेशन से आप इसको लिखेंगे। ये केस मैंने आपको एस सी ओ सी टेस्ट के समय भी बताया था, ठीक है, तो उससे जरूर से आप रिलेट कर लीजिएगा। आपने एस सी ओ सी दोनों टेस्ट किया हुआ तो इसमें इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। इस एक्सप्रेशन को दोबारा से अगर मैं फिर से लिखूँ तो ये हो जाएगा अगेन वी टू आई टू इंटू कॉस फाई टू डिवाइडेड बाई वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू आई प्लस आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू। ये हम लोगों ने कॉपर लॉस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, एंड दिस डब्ल्यू आई इज फॉर द आयरन लॉस कंपोनेंट, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि ये जो मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला है ये तो फुल लोड के लिए हो गया। ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन जो है ये तो फुल लोड के लिए ना, देखिए इसमें ये जो कंपोनेंट भी मैंने लिखा है सब फुल लोड के कंपोनेंट्स। जरूरी है कि हम लोग हमेशा ट्रांसफॉर्मर को फुल लोड पर ही रखेंगे? ये तो जरूरी नहीं, हो सकता है हम लोग किसी फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पर रखें। इसको लिख देता हूं मैं कि दिस इज एफिशिएंसी एट फुल लोड, है ना, दिस इज द एफिशिएंसी एट फुल लोड। बट ये नेसेसरी तो नहीं है कि हमेशा आप ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर ही चलाएंगे, हो सकता है आप किसी फ्रैक्शनल लोड पर भी चला रहे हैं। तो ऊपर एक कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि इफ द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड, इफ द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट एनी फ्रैक्शनल लोड, अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग ऑपरेट करते हैं किसी भी फ्रैक्शनल लोड पर, तो उस कंडीशन में फ्रैक्शनल लोड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शनल लोड का एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, इसको एक्स से डिनोट करेंगे आप, और इसको इसको पिछले केसेस में भी मैंने बताया था एससीओसी टेस्ट के समय में, इसका एक्सप्रेशन रहेगा एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाई, इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाई योर फुल लोड कंडीशन, ठीक है, कि फुल लोड से आप इसको कंपेयर करोगे, तो दिस इज अपॉन फुल लोड। तो एक्चुअल लोड आपके पास क्या है? एक्चुअल लोड सपोज कर लीजिए यहाँ पे है आई टू के फॉर्म में, आप इसकी करंट इसको शो कर रहे हो, और फुल लोड हो जाएगा आपका आई टू एट फुल लोड, ठीक है, इस हिसाब से शो कर सकते हो। तो यहाँ से आप एक चीज और लिखोगे, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आई टू इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ, एक्स वही फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, ऑफ आई टू एट फुल लोड। फुल लोड का कितना फ्रैक्शन जो है वो एक्स बता रहा है आपको यहाँ से। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक्स का एक और फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको लॉसेस के टर्म्स में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि इसका कैलकुलेशन जो है आप किस तरीके से बताएंगे, ठीक। तो अब आई टू की जगह पे जब आप फुल लोड की बात करोगे तो आप लिखोगे एक्स टाइम्स ऑफ आई टू एट फुल, तो उससे हमको समझ में आएगा कि कितना फ्रैक्शन आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोड के लिए, ठीक है। तो अब मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है उसको दोबारा लिखने जा रहा हूँ, वही जो पिछले केस में हम लोगों ने लिखा था। सो किसी भी लोड के लिए एफिशिएंसी कैसे बताएंगे? तो एफिशिएंसी जो है अब बताएंगे हम लोग, अब जब मैं ऊपर लिखूंगा वी टू आई टू कॉस फाई, तो आई टू ना लिख के मैं एक्स टाइम्स ऑफ आई टू फुल लोड लिखूंगा, ठीक है। तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, यहां पर फिर लिखते हैं हम लोग वी टू आई टू कॉस फाई टू, ध्यान रखिएगा दिस इज आई टू एट फुल लोड, ये चीज चेंज हो गई अब, ठीक है, अपॉन अगेन आउटपुट पावर यानी कि फिर से आप एक्स को ऐसे बाहर निकालेंगे, यहाँ आप लिखेंगे वी टू नाउ आई टू एट फुल लोड इंटू कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू आई प्लस आई टू के लिए देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई टू स्क्वायर आर टू था, तो अब आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इंटू आई टू एट फुल लोड का भी स्क्वायर इंटू आर टू ई। ये एक्सप्रेशन जो है इसको लिखना बड़ा जरूरी रहेगा अब इस पॉइंट पर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आई बिलीव कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक्स जो है ये दोनों जगह पे तीनों जगह पे कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इसका फुल लोड वाला एक्सप्रेशन जो है वो लिख दिया। अब इसको सपोज कर लीजिए कि अगर हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में थ्योरेटिकल फॉर्म में बताना है किसी को, अच्छा ये फॉर्मूला आपका इंटैक्ट रहेगा एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए, इसमें इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगा, एफिशिएंसी परसेंटेज लिख देता हूँ मैं इसके लिए, इनटू 100 भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये और इंटैक्ट हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। इसी को लिखने का एक और तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू
एक्स टाइम्स ऑफ, देखिए वी आई को क्या लिखेंगे आप, वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फुल लोड है तो रेटेड हम बोल सकते हैं इसको, तो दिस इज द वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर भाई फुल लोड के फॉर्म में ना, तो वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इनटू द पावर फैक्टर, ये हो गया न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग, चलिए डिनोमिनेटर में भी हम लोग यहां पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स ऑफ वी ए रेटिंग, एक्स टाइम्स ऑफ वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इनटू पावर फैक्टर, इनटू द पावर फैक्टर पार्ट, ठीक है। और इसके साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आप ऐड कर देंगे डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू एट फुल लोड। तो ये जो मैंने लिखा WCO फुल लोड, ये कहां से आ रहा है, जो मैंने I2 स्क्वायर R2E जो लिखा था उसके एक्सप्रेशन से हमको ये समझ में आया कि यहां पर जो कॉपर लॉस का कंपोनेंट है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, तो इसके हिसाब से आप इसको ऐसा एक्सप्रेशन जो है उस फॉर्म में लिख दिए, और ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, इसका एक्स स्क्वायर जो है वो मिसिंग है, इसको एक बार आप इंडिकेट कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर ऑफ WCO, ठीक है। बाकी सब सही है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर जो था वो छूट गया था, इसको हमको भूलना नहीं, इसको लिखना है साथ में। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है एफिशिएंसी का, और परसेंटेज बोल दिया तो इनटू 100 भी कर लीजिएगा लास्ट में। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप कई बार किताब में ऐसा भी देखते हैं, ये इसी से बनता है, यही आपका मेन फॉर्मूला है। आई बिलीव कि अभी तक आपको इसका फॉर्मूला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल बनाने के समय आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये एक अलग टॉपिक है बट इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूं इसको भी। हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, सिस्टम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो कैसे बनेगी, कितनी बनेगी। आपको इसके लिए डीसी नेटवर्क्स के अंदर मैंने कंडीशन बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, आई गेस वो वाला कंडीशन, वो पावर कैलकुलेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आज उसी का मैं यूज करने वाला हूँ, मैक्सिमा की कुछ कंडीशन यूज करूंगा इसमें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से, एफिशिएंसी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वी टू आई टू इंटू कॉस फाई टू, दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी कि फिर से आप लिखेंगे वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू, या आई टू स्क्वायर आर टू ई के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको चलिए एलैबोरेट ही कर देते हैं, इसको सही से आई टू स्क्वायर आर टू ई के फॉर्म में लिख देते हैं, तो दिस विल बी आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू कॉपर लॉस, इस फॉर्म में आप एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब आपको इसमें से ये देखना है कि एफिशिएंसी मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल टर्म के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल यानी कि आई टू है, इस केस में वेरिएबल टर्म क्या है आपका आई टू, ठीक है। तो आई टू के रिस्पेक्ट पे आपको इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा की कंडीशन लगाते हुए आपको इसको इक्वेट करना है विद जीरो, यही होगा। तो मतलब डी ऑफ ईटा बाई डी ऑफ आई टू, और इसको इक्वेट करना है मुझे किससे, जीरो से, ठीक। यही कंडीशन होगी, सेम ऐसे ही कंडीशन मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के समय भी बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि उसको इक्वेशन को, पावर के इक्वेशन को आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां पे हम लोग आई टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डी ऑफ ईटा है ये। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ते हैं मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करना है मुझे, तो मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आराम से आपका एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर बन के आ जाएगा। तो लिखते हैं डी ऑफ ईटा डिवाइडेड बाय डी आई टू इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या एक्सप्रेशन आता है यहां से। सबसे पहले देखिए हमारे पास ऐसे अपॉन में है ये पूरा का पूरा डेटा, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू आई प्लस आई टू का स्क्वायर आर टू ई, ठीक है। न्यूमरेटर के अंदर पहला कंपोनेंट इसको देखते हुए ध्यान से देखते जाएगा, ठीक है, आई टू का स्क्वायर आर टू ई लिख लिए, इनटू इनटू वी टू इनटू कॉस फाई टू माइनस
वी टू इंटू कॉस फाई टू, ये हो गया। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, अब जो डेटा आएगा नेक्स्ट वो आ जाएगा वी टू आई टू कॉस फाई टू, नाउ इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में इस पोर्शन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो इधर हो जाएगा जीरो और उस तरफ कितना आ जाएगा, उस तरफ आ जाएगा आपके पास टू टाइम्स ऑफ ये, तो ये हो जाएगा वी टू कॉस फाई टू प्लस जीरो प्लस। अब यहाँ पे देखिए आई टू के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और मेरे पास है आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ई, है ना, आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ई है। तो वी टू कॉस फाई टू मैंने लिख दिया उधर, जीरो लिख दिया और टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम टू टाइम्स ऑफ आई टू इंटू आर टू ई। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है बट आराम से देख देख के आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना तो आपसे बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए ये तो हो गया न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे आप इसके लिए, दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, आपके पास होगा v2 i2 cos phi 2 प्लस w i प्लस i2 का स्क्वायर r2 e। यही सेम एक्सप्रेशन जो है इसको आप लिखेंगे यहां पर भी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू का क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऐसे अपॉन के फॉर्म में तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मैक्स पीटीटी थ्योरम इसके लिए इससे पहले अगर आपने बनाया होगा ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसको सॉल्व करने में। और इस पूरे को आपको इक्वेट करना है विथ जीरो, तो अगर मुझे इसको जीरो से इक्वेट करना है तो मैं सीधे इस कंपोनेंट को ले जाके वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा जीरो से, ये डिनोमिनेटर का पोर्शन खत्म हो गया। अब सिर्फ मुझे इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, इस न्यूमरेटर को एक स्टेप और सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं, सेम चीज को दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, यहीं से कितना चीज कट हो सकता है उसको हटा देता हूं मैं। वी टू आई टू कॉस फाई टू मुझे दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी वी टू आई टू कॉस फाई टू दिख रहा है, यहाँ पे भी वी टू आई टू कॉस फाई टू दिख ही रहा है, तो इसको मैं कॉमन जो है वो यहाँ पे निकाल सकता हूँ या वी टू कॉस फाई टू को बाहर निकाल देता हूँ। तो मैं यहां से लिखता हूं v2 इंटू कॉस फाई टू, ये वाला डेटा जो है इसको दोनों जगह से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। अब अंदर एक्सप्रेशन क्या बचेगा मेरे पास वो देखिएगा, यहां से v2 i2 cos phi 2 का कंपोनेंट जो है ये पूरा का पूरा एज इट इज जितना दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा अंदर, देखिए v2 i2 इंटू कॉस फाई टू प्लस डब्ल्यू आई प्लस i2 का स्क्वायर r2 e, ये एक्सप्रेशन इसके साथ दिख गया। दूसरी तरफ आप लिखेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है, उस डेटा को मैंने कॉमन निकाल लिया है तो आपके पास v2 i2 cos phi 2 फिर से बचेगा, ठीक है, देख लीजिए इसको ब्रैकेट के अंदर ये पूरा चीज है w i i2 स्क्वायर। अब माइनस करके आपको इसको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस v2 i2 cos phi 2 अगेन माइनस जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ i2 इंटू आर टू ई, टू टाइम्स ऑफ i2 इंटू आर टू ई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको लिखिएगा, ठीक है, I2 का स्क्वायर मैंने नहीं लिखा क्या, I2 का स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा ना यहाँ से, ठीक है ठीक है, डिफरेंशिएट हुआ तो यहाँ से स्क्वायर मैंने I2 का स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना जरूरी है, ठीक। चलिए ठीक है, तो I2 into R2E वाले फॉर्म में इसको आप लिखेंगे टू टाइम्स ऑफ माइनस टू टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर into R2E, इस फॉर्म में आप लिखें। अब इसमें से देखिए जितना कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, इस पूरे को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं और इस पूरे को हम लोगों ने इक्वेट किया किससे, जीरो से, ये पूरा जीरो से इक्वेटेड है। अब जो जो इससे कैंसिल आउट हो रहा है उसको हटा दीजिए, प्लस वी टू आई टू कॉस फाई टू माइनस वी टू आई टू कॉस फाई टू, ये हट गया, डब्ल्यू आई आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ई और टू टाइम्स ऑफ वहाँ पर हो गया आई टू स्क्वायर इंटू आर टू ई, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, ये पोर्शन उधर जाके जीरो हो गया। तो मेरे पास क्या क्या बचा है देखिए, इसमें से मेरे पास बचता है एक तो यहाँ डब्ल्यू आई बचा और ये माइनस होके मेरे पास बचा कितना आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ई, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो आई कैन से यहाँ से इस पॉइंट से कि यहाँ पर डब्ल्यू आई इज इक्वल टू आई टू का स्क्वायर इंटू आर टू ई, उधर जाके प्लस हो गया। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, आई टू का स्क्वायर आर टू इज योर कॉपर लॉस, सो दिस डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी यू, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में पूछता है इस कंडीशन से आपको डेटा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आपको यहां से मिल गई कि वो तभी अराइज होगा जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाएंगे, थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा इसको, दिस इज द कंडीशन
दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब कोई पूछे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो किस केस में अराइज होगा, तो आप बोलेंगे कि जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाएंगे। ये कंक्लूजन तो आप कई बार सुने होंगे, आज इसका पूरा डिटेल में डेरिवेशन देख रहे हैं कि डिटेल डेरिवेशन इसका होता कैसे, कि इस कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचते कैसे हैं। तो आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस जब होता है, तब हम लोग उस कंडीशन पे देखते हैं कि एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम हो गई। ठीक, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड भी कितना होना चाहिए, हम तो फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लोड का एक्सप्रेशन होता है, तो उस फ्रैक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड कितना होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता देता हूं, लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोड का क्या होना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर हो सके आपसे अगर पूछ ले तो इसका भी आंसर कर सकते हैं। देखिए लोड करंट जो है, द लोड करंट, लोड करंट एट ईटा मैक्स इज गिवन एज, लोड करंट जो है ईटा मैक्स पर हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग लिखते हैं आई टू का स्क्वायर इन टू आर टू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई, इस फॉर्म में ही लिखे थे ना हम लोग। तो मैंने आपको यहाँ पे I2 का स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब I2 जो था उस हिसाब से आपको शो किया था। अब आप सोचिए कि फ्रैक्शनल लोडिंग अगर है आपके पास, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रैक्शनल लोडिंग का केस भी होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि I2 जो है दैट इज x टाइम्स ऑफ I2 एट फुल लोड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास I2 के जगह पे इसको अगर फुल लोड के फॉर्म में एक्सप्रेशन इसका बनाएं तो वो पॉसिबल है, x टाइम्स x का स्क्वायर इनटू I2 स्क्वायर एट फुल लोड, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, हमको फुल लोड कॉपर लॉस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसी डेटा को पुट कर देता हूं मैं इसकी जगह पे, आई विल से x का स्क्वायर इनटू I2 एट फुल लोड का स्क्वायर इनटू R2E इज इक्वल्स टू WI। तो ये पूरा चीज क्या है, दिस होल थिंग इज व्हाट, दिस इज द कॉपर लॉस एट फुल लोड, और इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है WI। जब फुल लोड वाली कंडीशन आपको बतानी होगी ना, या फ्रैक्शनल कंडीशन आपको बतानी होगी कि कौन से फ्रैक्शनल कंडीशन पे होता है ना, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन जो है वो अगर इस हिसाब से आपको बताना है, इसी को थोड़ा और इलैबोरेट कर लीजिए, यू कैन से कि x इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी यू एट फुल लोड, इस पूरे का रूट। ये भी एक्सप्रेशन आपने किताबों में देखा होगा, बी एल थेरेजा वगैरह की किताब में भी एकदम प्रॉपरली ऐसे बताया गया है इसको। आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि हम इसीलिए x या फ्रैक्शनल लोडिंग का जो कंडीशन है इसको अंडर रूट आयरन लॉस कंपोनेंट या आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड करंट पास्ट, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड करंट, फुल लोड करंट पास्ट, उस फुल लोड करंट का कितना फ्रैक्शन रहेगा वो इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, कि किसी रेजिस्टेंस से हम जो उसके रेजिस्टेंस से जब पास करा रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए, तो फुल लोड करंट का कितना फ्रैक्शन जाना चाहिए, तो पास थ्रू रेजिस्टेंस, पास थ्रू रेजिस्टेंस टू गेट ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए हमको कितना फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड करंट जो है वो पास कराना चाहिए। तो ये तो थे मैक्सिमम एफिशिएंसी और एफिशिएंसी कैलकुलेशन के कुछ बेसिक्स, कुछ डिटेल्स। अब इन चीजों को कैसे आप अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, अगले वीडियो में आपके लिए मैं वो लेकर के आऊंगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपसे सवाल जो है वो प्रॉपर बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये सब जो हम लोग इतना सीख रहे हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके कैसे रिजल्ट निकालते हैं। तो ये वीडियो अब यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए ऐसे ही एक से एक मस्त मस्त टॉपिक जो है वो लाता रहूंगा। टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।